तो हमारे परिवार के साथ, हमारी बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, हमारे साथ कौन आया? प्रशासन करते थे, दूसरे लोग के आवे क्या जरूरत रहा, तो अपने देश में ना रह ले, सके न्याय ना मिल जाता है, न्याय ना मिला तो मैं भाग के आए ना, सुने न्याय मिलेगा तो हमारे परिवार को इच्छा मृत्यु दे दीजिए, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, हम लोग गरीब है, इसके लिए हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। मोदी योगी जी से यही निवेदन है केजरीवाल से कि लड़की का, हमारे लड़की का न्याय कराइए और अपराधियों को फांसी दिया जाए, ताकि और बहन बेटी के साथ घिनौना काम ना हो। हमारा नाम राजकुमार है, हम उत्तर प्रदेश भदोही जिला हमारा है, गोपीगंज थाना है, ग्राम सभा डेरवा है, वहाँ से हम आए हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला, हम इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं सर जी, क्योंकि साजिश के तहत हमारी बच्ची की जो है सामूहिक दुष्कर्म और हत्या हो जाती है। घटना ये है कि वही बताए ना कि हम लोग जो है स्वाध्याय परिवार से थे, हमारे घर में कोई आचरण ही नहीं था, उसके दो लड़के हैं, दोनों लड़के जो है कि बहुत छुछेले हैं, बहुत माने कि सब लड़कियों को परेशान करते थे, तो ये हमारे लड़की को भी ये परेशान करते थे, दो तीन लड़की और हैं उनको भी परेशान करते थे, तो बोली कि हमारे लड़के बिगड़ जाएंगे, ऐसा करो कि इस लड़की को मार डालो, इसका बदनामी करवाओ। बदनामी करवाने के कारण वो जो है फर्जी बर्थडे करवाती है, तारा को, हमारी लड़की का नाम तारा है, उसके तीन सहेली थी, उन्हीं तीन सहेलियों को प्रेरित करके, उन्हें पैसा दे करके और जो है कि हमारे यहाँ बर्थडे करवाती है, उन्हीं को पैसा दे करके हमारे यहाँ बर्थडे करवाती है, उसके बाद कि हमारा लड़का जाएगा तो हम गांव वालों को बुलवाएंगे और चिल्लाएंगे कि हमारे लड़के को बुलाई है, हमारे लड़के को बुलाई है। उसके बाद जो है कि जब उसका लड़का भाग कर वहाँ से भेजती है, उसका लड़का छोटा बिक्की है, जो बड़ा लड़का बर्थडे लाता है, केक लाता है, और छोटा लड़का बिक्की जो है वो भागते हुए हमारे घर में आता है, जब तो लड़की बोलती है हमारी कि भाग यहाँ क्यों, हमारे यहाँ आया भाग। उसके बाद उसके घर से जो है कि काफ़ी औरतें और मर्द आए और हमारी बच्ची को गंदी गंदी गाली देने लगे कि हमारे लड़के को क्यों बुलाई। बोली कि एक गलत बात है, मैंने किसी को बुलाया नहीं, तुम्हारा लड़का जबरी आया था, साथ में तू लोग भी आ रही है, तो मैं किसको बुलाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ कि रात में ये लोग लड़की को उठा ले जाते हैं, कुछ गैंग रहता है, रात के समय ये लोग बच्ची को ले जाते हैं साहब उठाकर। अगले बगले वाले जानते हैं, जोने समय ले जा रहे थे, बच्ची यही चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, अरे मेरी जान गई, मुझे बचाओ, ऐसी बच्ची चिल्ला रही थी। हम घर से दूर, एक घर और है वहाँ थे, दादी दादा कांवर लेकर गए थे, उस समय बच्ची अकेली थी, बगले वाले डर गए, इनकी आतंक देख कर डर गए, कोई बोला नहीं, उस समय सोचे कि बलात्कार करके छोड़ देंगे, लेकिन ये लोग इतने हद पार कर गए कि 14 साल के बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके जो है मार दिए, उसका हाथ भी काट दिए, उसका नस भी काट दिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक ये लोग गंगा जी, हमारा गंगा किनारे घर पड़ता है, वहाँ वो जो है कि गंगा जी में फेंकने के लिए ले जा रहे थे बच्ची को, सब्जी लगाया था एक किसान, उसने दूर से टार्च मारा, कौन है, सोचा हमारी सब्जी चुराने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सब्जी तोड़ कर रखा था, चिल्लाने लगा कि हमारी सब्जी कौन ले जा रहा है। ये लोग वहाँ से भागे, एक छोटी सी नीप की डार थी उसी पर टांग दिए, बच्ची का घिटना छू रहा था। रात में गांव वालों ने हमें फ़ोन किया कि तुम्हारे बच्ची ने फांसी पर झूल रही है, मैंने देखा वहाँ, तो जो है कि बच्ची को उतारा गया था, बोले कि नस भी काट दी गई। मैंने बोला कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है। और उसके बाद जो है कि पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, प्रशासन आई, मैंने कहा जो लड़का बिक्की आया था उसको पकड़ो, बिक्की को ले गए जब, तो उसने सारी घटना कबूल कर ली, सब बता दी, कुल अपराधी पकड़े गए थे, कुछ अपराधियों को पैसा लेकर छोड़ दिया गया, आज भी वो टहर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ना पूरा अपराधी पकड़े गए हैं, ना पास्को लगा है, ना 376 लगा है, हम कहाँ जाएं न्याय के लिए। पुलिस की क्या है, पुलिस ये है कि हमारा भाई जो सूरत रहता है, उसकी लड़की 3 दिन के बाद घर पहुंचा, उसको थाने में बंद करके जूता मारा गया, पुलिस कह रही कहीं मत जाओ, कहीं मत फैलाओ,
कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है सर? कुछ नहीं हुआ है। जब हम पोस्टमार्टम करवाने लाश ले गए थे उस समय डॉक्टर ने बोला कि बच्ची के साथ बहुत बहुत निंदनीय घटना हुई है, उसका रेप भी मार दिया गया है। आपका नाम और आप क्या लगते हैं? हम लड़की के बड़े पापा हैं, हमारा राजकुमार नाम है। उस समय हम ही घर पर थे, दादी दादा कांवर लेकर गए थे, मम्मी पापा सूरत। अलाई भैया, मीरा भैया, समस्या वाला लड़की का मार दिया भैया बलात्कार कह के। कितने लोग? चार लोग, चार पांच लोग हैं भैया, पांच लोग पकड़ा गए, अभी उसका बीबी नहीं पकड़ा गए। मान ले औरत के चौदह आदमी चार बलात्कार करे हैं भैया। घटना यह बा कि मेरे कतारे के भाड़ा हो इक्कीस जुलाई। अरे मोर भाई बताइए, हाँ आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट किया? हाँ भैया बा भैया, पुलिस में जो रिपोर्ट किया तो पुलिस ने क्या कोई एक्शन लिया? कुछ नहीं भैया, पांच लोगों के पकड़े हुए बस। और लोग को क्यों नहीं पकड़ा? बोल रहे हैं पकड़े गए, कितना बड़ी दुनिया है, कहाँ ढूंढू। तू लोग भी ढूंढो। हाँ भैया, हम लोग घर पे नहीं थे जी। हम लोग ना जो हम लोग सुने हैं वही बता रहे हैं। मगर जो पांच लोग घटना बता, ये बताइए आपके लड़की को कहा जा रहा है घर से उठा कर ले गया, ये सही है? हमारे भाई साहब घर पे ही थे, ये घटना बताएंगे उन्हें। हाँ बड़े भाई, आपको नहीं पता है? हम बाहर रहते हैं दोनों, पति पत्नी की बेटी थी। हाँ भैया मार गया था, हम लोग बाहर में थे। तो पुलिस ने कोई धारा लगाई है, कोई एफआईआर? कुछ नहीं, 354 बस, 354 लगाया गया है, 506 लगाया गया है, 302 धारा पास को एक ऐसा कुछ नहीं। एसपी साहब से हम बात किए कि साहब इसमें पास को एक्ट नहीं लगा है और बलात्कार का जो सजा होता है वो भी नहीं लगाया गया है। तो बोले कि हम गैंगस्टर लगा दे रहे हैं। हम बोले सर कि रेप हुआ है तो बोलते हैं कि तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। उसके बाद हमें डांटे हो, बोले कि अब वो जो गया है जांच के लिए लखनऊ बिसरा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक बलात्कार का पुष्टि नहीं होएगा। आपको कैसे पता चला बलात्कार किया गया? पोस्टमार्टम में दिया गया है, डॉक्टर साहब ने बताया। हाँ डॉक्टर ने बता दिए भी है। कोई हमारी मदद करने के लिए आया ही नहीं, इसलिए तो भैया नहीं है, भाग के आए हैं। हमने चोरी से यहाँ भाग के आए, मोबाइल सिम चाहिए। हम लोग असल बात, हम लोग का घर द्वार अच्छा नहीं, खेत बाड़ी कुछ नहीं भैया, गरीब परिवार से रोज कमा रोज खाओ और कुछ नहीं भैया। आपको भी धमकी मिलती जाए? हाँ भैया, हमने ऐसे ना भाग के आए, यहाँ पे आए हैं प्रदर्शन के, धरना प्रदर्शन के लिए। अब हमारे घर पे धमकी जी दिया जा रहा है हमारे माता पिता को। कौन लोग हैं वो? आ? कौन लोग हैं और क्या? अपराधी के घर वाले ही हैं, तरह तरह के फोन करके धमकी दिया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और गाली भी दिया जा रहा है। आपने शिकायत करी पुलिस में? अभी तक नहीं किए हैं। जब हमें इंसाफ ही नहीं सही ढंग से मिल रहा है, हम किसके पास जाएं? इसीलिए हम लोग दिल्ली सरकार से मांगने आए हूँ, बगल के ही है, दिल्ली सरकार से मांगे आए हैं। और रिश्ते में लगते हैं वो लोग के, रिश्तेदार भी हैं और बगल वाले भी हैं। ये जो योगी सरकार है वो तो हिंदू के बारे में इतनी बातें करती है, ये होगा दलितों का ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे। हमारी मदद के लिए किसी को आगे आना चाहिए ना,
हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारी बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, हमारे साथ कौन आया? कोई घटना की जानकारी लेने के लिए भी नहीं आया कि कैसे हुआ घटना। बड़ी मम्मी है लड़की की जिसकी हत्या हुई, बड़ी घटना हुई है, आपको कितना दुख लगता है? क्या सरकार से कहा करे, आपको कहाँ भरोसा होते थे? पचिया आए थे इतने दूर से भाड़ा के रहा, हम पचिया आए कैसे आए थे? इतनी चार दिन का पचे बेजल पानी का भटक रहे है, कहाँ पहुँची कहाँ न पहुँची, कहाँ से मैंने आई कहाँ से? कोई पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं, मतलब कोई आपकी मदद? प्रशासन करते थे मुझे लोग के आवे क्या जरूरत रहा, तो अपने देश में ना रह ले, में सके न्याय ना मिल जाता है, न्याय ना मिला तो मैं भाग के आए ना। मेरे पति को कहते हैं कि पति को कहीं देखेंगे तो धक्का मार देंगे गाड़ी के, उनके पास मेरे पति है, मारा पति उनके बार बार पाछे लोग पड़े हैं, इसी को मार दो सभी पागल बन के अपना घूमेंगे टहरेंगे, उसी को मार दो। नहीं, योगी सरकार तो कहती कि भाई हमारे यहाँ जो अपना लेके आओ पेपर कुछ सुनवाई करेंगे का कुछ नहीं, कहाँ सब फर्जी बात है, नकली बात है। जब मैं लोग को न्याय नहीं मिला डेढ़ दो महीना हो गया तो कहाँ जानी प्रशासन और न प्रशासन सुने यहाँ न्याय मिले मिलेगा तो हमारे परिवार को इच्छा मृत्यु दे दीजिए बस। इच्छा मृत्यु की बात बड़ी बात क्यों कर रहे हैं? क्या करेंगे जी के आएंगे भैया, हम लोग का जीना भी दुश्वार है, जाएंगे भैया हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, हम लोग गरीब है इसके लिए हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। अब यहाँ भटक रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहे हैं, इंसाफ हमारे बेटी को मिले कैसे मिले? ना मिले, ना मिले ना भैया, नहीं मिले भैया, कुछ ना मिले। रास्ते से कहीं उठा लिया गया, घर से उठाया गया? घर से उठा ले गया थे रात में, हाँ 12 बजे रात में उठा के ले गए थे किसी घर बगल के घर में, उन लोगों ने दूसरे घर में, अपने घर में नहीं मारे हैं, उन लोगों को चाबी दूसरे घर वाले दिए थे भूसा रखने के लिए, उसी घर में उसको मारा है, लेकिन अभी तक उस घर का तलाशी नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग भी कुछ गांव की औरतें बता रही थी कि इसी घर में मारे थे, इसी घर में लड़की को ले गए थे, लेकिन हम लोग जब 112 नंबर पे फ़ोन किए कि सर हम लोगों को कुछ जानकारी है कि इसी घर में मारे हैं, क्या हम लोग जांच पड़ताल के लिए क्राइम ब्रांच को बुला सकते हैं, आप भेज सकते हैं, लेकिन वो लोग बोले कि किसी घर में अगर ताका झाकी करोगे तुरंत तुम लोगों को चोरी में ठोक देंगे। SP दरोगा बोला कि अगर तुम लोगों को कोई भी कुछ होगा, अब हम तो मालूम नहीं है, लेकिन वो बोला कि अगर किसी के घर में ताका झाकी करोगे तो हम चोरी में ठोक देंगे। हम फिर भी उसके घर पे गई, खिड़की से देखी, खिड़की उसका खुला है, वहाँ पे चटाई भी छावा हुआ है और उसके बाद एक क्लिप भी गिरा है, भले कुछ नहीं हुआ है लेकिन उसका जांच पड़ताल तो करना चाहिए, तुम लोगों का काम है यही, लेकिन वो लोग नहीं कुछ कर रहे, चटाई पे धब्बा भी है लेकिन वो लोग जांच पड़ताल नहीं किए, बस देख के चले गए और बोले कि अगर तुम लोग कुछ करोगे तुरंत तुम लोगों को चोरी में ठोक देंगे, किसी के घर पे ताका झाकी करोगे। तो बड़े लोग हैं क्या आपके गांव के? हाँ, और जो कांड किए हैं वो लोग बड़े हैं, पैसे वाले हैं, अरे सरकारी नौकरी वाले हैं वो लोग। एक उसका बड़ा भाई है जो धर्मराज है, उसका बड़ा भाई है एक, इसका बड़ा भाई है आर्मी में रहता है और इसका चचेरा भाई सचिवालय में रहता है। कितने लोग थे? इसमें तो खाने पीने वाले मछली और मुर्गा खाने पीने वाले 20-25 लोग हैं, लेकिन कांड करने वाले हमें तो 10-12 लगते हैं, 10-12 लोग। तो 13 साल की? हाँ, 13 साल की बच्ची, लेकिन उन लोगों ने 10-12 जो 10-12 लोग हैं ना, वो लड़कियाँ के बस हमारी बच्ची को मारने के लिए नहीं आए थे, हमारे परिवार को भी मारने आए थे कि ताकि कोई आगे पहुँचे सबको मार डालो, कोई पहुँचा ही नहीं, सिर्फ लड़की को पाए, लड़की को ही मार डाले उसका अंजाम। सोचे कि चलो ठीक है लड़कियाँ इस लड़की को ही मार डालेंगे, उसके बाद इसके घर वाले को ही फंसाएंगे। योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है आपको? आपने को गुहार लगाई क्या आपने कभी? हाँ लगाई थी, बहुत बार लगाई थी, कुछ नहीं निकला? कुछ नहीं निकला, कुछ निकलता तो हम यहाँ पे आते क्या? आते कुछ निकलता तो क्या हम यहाँ पे आते बैठते? खाए पिए मर रहे थे, अपना घर कोई छोड़ के चाहता है कि कहीं और घूमे टहरे? कोई सामाजिक संस्था आपके साथ आई है? कोई नहीं आया है, हम खुद आए हैं, पूछत 2 दिन से भटक रहे थे तब आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे। तब वो बोले कि कल आए थे तो हम लोग बोला कि कुछ मतलब का हम लोग कुछ अपना बताने चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो बोले कि परमिशन लेना है, परमिशन ले लो। हम लोग भी भटक रहे थे कि पता नहीं परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज गए तो बोल रहे कि चलो ठीक है जाओ कर लो।
मांग है सरकार से और क्या आप क्या करेंगे आगे बताइए। हम लोगों को बस मांगना है कि अब हमारी लड़की तो चली गई हम लोगों के बीच में, अब उन लोगों का फांसी हो जाना चाहिए ताकि किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम ना करे। हम लोगों का यही गुहार है। ऐसी हत्या हाथरस केस में हुआ है, उसी तरह में फास्ट केस में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कोई योगी सरकार है, कोई आपके साथ कोई मदद करने को राजी नहीं, आपने गुहार लगाई है सरकार को? हाँ, सरकार को गुहार लगाई है। क्या क्या कहा सरकार, कहाँ कुछ कह रहे हैं? जो कर रहे हैं पुलिस कर रहे हैं। अभी विवेचना 2 महीना हो गया, पुलिस विवेचना कर रही है। हमारे भैया बोले कि क्या हो रहा है सर, बताइए कुछ हो रहा है कि नहीं। वो लोग बोले कि साले लोग अभी 5 लोगों को पकड़े हैं, अब तुम लोगों क्या पूरा गांव पकड़ के ले जाएंगे? जब इसमें गाँव वाले शामिल है तो क्यों गाँव वाले नहीं पकड़ के जाएंगे? गाँव वाले, हमारी लड़की पूरे रात भर चिल्लाई थी, जब तक उसका मौत कपड़ा से नहीं बांधा था तब तक हमारी लड़की चिल्लाई थी, पूरे गांव में अगल बगल सब लोग सुने, लेकिन भैया कोई नहीं बचाने आया उसको, कोई नहीं बचाने आया। मतलब पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रही है? हाँ, पैसा से दबाव पड़ रहा है और ये संसद विधायक से भी पुलिस प्रशासन को दबाव पड़ रही है। हम यहाँ, हम लोग आए हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को खतरा है। अगर हम लोग घर पे भी जाएंगे 1-2 लोग जरूर मरेंगे, देख लेना भैया, ये हम कह रहे हैं, हम लोगों के ऊपर पूरी खतरा है। हम लोग आ रहे थे, वो लोग पीछा करते करते आए। हम लोग गोपीगंज से गाड़ी पकड़ने वाले थे, लेकिन गोपीगंज से नहीं, हम लोग मिर्जापुर से पकड़े गाड़ी। हम लोग, उन लोगों को पता चल गया हमारे घर पे दारू, उसके जो लड़की थी षड्यंत्र रचने वाली, केक काटने वाली, उसके दादा को अपराधी के भाई दारू पिला के रात भर गरीब आए थे हमारे माता पिता को। लेकिन वो लोग बुढ़ा बुढ़ी हैं, लेकिन बोले नहीं कुछ। हम लोग बोला कि चलो ठीक है, गाड़ी सुन लो, हम लोग आएंगे तब समझेंगे। बड़ी घटना हो गई, पूरा किसी गांव वालों ने आपके साथ नहीं दिया? नहीं, गांव वाले साथ दे रहे थे, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि, धमका रहे हैं कि अगर तुम लोग उसका साथ दोगे तो तुम्हारे लड़की का भी यही हम लोग हाल करेंगे, टांग देंगे, बलात्कार करके टांग देंगे। अगर कोई भी उसके साथ आवाज उठाएगा, कोई भी बोलेगा, उसका साथ देगा, यही तुम लोगों का भी लड़की का साथ करेंगे, वो लोग ऐसे बोल रहे। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी छूटे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उन लोगों को पकड़े और उच्च दस्तरी का जांच हो, इस घटना को और अच्छे से जांच हो। तो कोई धारा लगाई है अभी तक ऐसी जो पास को? नहीं, कुछ नहीं लगाई, इसीलिए तो हम आए हैं। इसमें दिया है दुष्कर्म दिया है, डॉक्टर बोला है कि इसके साथ ऐसा घिनौना काम हुआ है कि आप सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा, इतना डॉक्टर ऐसा बोला। हम लोग गिड़गिड़ा के रोने लगे कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या है? बोले कि अब तुम लोगों से क्या बताए, तुम लोग अब होश में तो हो नहीं कि बताने के लायक, बता दे तुम लोगों को। रोते रोते तो ऐसे ही पागल हो गए थे हम लोग। बोले कि अरे लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन उसमें दुष्कर्म हुआ है लेकिन पास्को एक्ट 376 क्यों नहीं लगाया गया है, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग वहाँ पर भी नारा लगाए, सरपता DM साहब के बंगला पे और वहाँ पे जहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ पे लगाए, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। जिला से बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है, फैल ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ भाग के आए। आप जंतर मंतर अब दिल्ली आई हैं, आपका उम्मीद है कि कुछ हमारी कोई उम्मीद लगा के आए हैं कि हमारा मोदी योगी के यही एक खबर योगी मोदी के तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हमारा यही न्याय है कि अरे हमारी लड़की का न्याय कराइए। मोदी योगी जी से यही निवेदन है केजरीवाल से कि इन लड़की का, हमारे लड़की का न्याय कराइए और अपराधियों को फांसी दिया जाए ताकि और बहन बेटी के साथ घिनौना काम ना हो, ताकि किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। बस यही हम लोगों का उम्मीद है, इसीलिए यहाँ पे आए, उम्मीद ही लेके आए कि हमारी लड़की का न्याय होगा।